लालू परिवार के सबसे प्यारे लाल तेजस्वी यादव का 28वां जन्मदिन पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन का कार्यक्रम उनके सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर मनाया गया। इस मौके पर तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर 28 पाउंड का केक काट जन्मदिन मनाया। तेज प्रताप ने तेजस्वी को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर आरजेडी के बड़े चेहरों के साथ ही भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश खरोश से शिरकत की। इस मौके पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने वृक्षारोपण भी किया। तेजस्वी यादव ने बधाई देने के लिए बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और साथ ही बिहार के तमाम लोगों को, जनता को, पार्टी के तमाम लोग मिलकर के जो बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तहे दिल से सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने पटना के छोटी पटन देवी मंदिर में 28 दीपों की महाआरती और विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया जिसमें तेजस्वी उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अपने छोटे भाई पर घमंड है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका परिवार शिष्टाचार निभाने में हमेशा आगे रहता है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, इसके बावजूद जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हैं। देखिए, आप बधाई ना दे आप उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग जो होते हैं हम लोग दे देते हैं बधाई वगैरह। तो अब नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन होता तो हम लोग विश करते हैं। तेजस्वी यादव न केवल लालू परिवार के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी एक सियासी विकल्प के तौर पर मजबूती से उभर रहे हैं। उम्मीद है कि हमेशा स्वस्थ रहें और बिहार के विकास के लिए मजबूती से डटे रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।